हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज हम वीकली करंट अफेयर की ओर चलेंगे। 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच का वीकली करंट अफेयर। यदि आपने डेली करंट अफेयर भी पढ़ा है तो उसके बाद आप रिवीजन के लिए आ सकते हैं, और यदि नहीं भी पढ़ा है तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए आपको बता देते हैं किस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, हम इसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, कौन सी बुक लॉन्च हुई है नई, कौन सी प्रसिद्ध हस्ती का निधन हुआ है, स्पोर्ट्स सेक्शन में क्या हुआ है, मोबाइल ऐप कौन से लॉन्च हुए हैं, नियुक्तियां किसकी हुई हैं, पुरस्कार किसको मिला है, महत्वपूर्ण दिवस क्या रहे हैं और राज्य सरकारों द्वारा किया क्या गया है। इसके अलावा एक दुर्लभ प्रजाति के कछुए के बारे में पढ़ेंगे। रोजगार के लिए सोनू सूद जी क्या कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मंगल मिशन चीन का लॉन्च हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, और IPL 2020 अब कहाँ होगा इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें हमारे क्वेश्चन RRB, SSC, बैंक, PSC, DRDO और सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर का सेक्शन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही हम आपको क्विज भी दे देंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ये क्विज लगाकर आप अपनी तैयारियों को और तेज़ी ला सकते हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं कुछ मोटिवेशनल क्वोट की ओर। मोटिवेशनल कोट में बता दें दोस्तों, बाद में आप पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगा के कोशिश कर ली जाए। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो कि इस लॉकडाउन में या कोरोना काल में पढ़ाई को त्याग चुके हैं, और कुछ लोग हैं जो कि त्यागना नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें त्यागना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसे में जो भी व्यक्ति टिका रहेगा वो ही आगे निकलेगा, तो आप अपना जी जान लगा दें और पढ़ते रहें। चलिए अब आपको लिए चलते हैं अवार्ड एंड ऑनर की ओर। आखिरकार कौन से अवार्ड दिए गए इस हफ्ते में, पहले अवार्ड की बात कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 मोरिसाना कॉयट जी को दिया गया, जो कि एक डॉक्टर हैं और महिला हिंसा के लिए इन्होंने अफ्रीका में काम किया है, इसी के लिए इन्हें दिया गया है। इसके अलावा एक और व्यक्ति मारियाना बादिना एसिनी, इनको भी दिया गया, जो कि ग्रीस से आती हैं और इन्होंने बच्चों के कैंसर पर बहुत काम किया है और कई लोग बच्चों की जान बचाई है। आपको बता दें कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है, जो भी व्यक्ति मानव की सेवा के लिए जीवन समर्पित करता है उस व्यक्ति को दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, नेल्सन मंडेला खुद एक सामाजिक व्यक्ति थे, उनकी तरह इस अवार्ड को दिया जाता है। और 18 जुलाई को ही नेशनल मंडेला दिवस भी मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसी के साथ इस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद वंदे जी द्वारा दिया गया। अब चलते हैं कुछ और पुरस्कारों की तरफ। लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार दिया गया अर्नब चौधरी जी, जो कि भारतीय हैं और इनको मरणोपरांत दिया गया है। यह एक महान एनिमेशन निर्देशक है, जो कि इन्होंने जो है टूनज मीडिया द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। और ये जो अर्नब चौधरी जी हैं, इन्होंने एकमात्र एनिमेशन फिल्म इनकी रही जिसको कि ऑस्कर में नामित किया गया, जो कि भारत की अभी तक एकमात्र एनिमेशन फिल्म है जिसका बैनर आप देख ही पा रहे होंगे, यही वह फिल्म है। और यह है अर्नब चौधरी जी, जो फिल्म का नाम है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। यह फिल्म थी जो कि एनिमेटेड थी और नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर में, जो कि एक बड़ी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गुलबेकेरियन पुरस्कार, जो कि ग्रेटा थनबर्ग जी को दिया गया, यह पुरस्कार जो है मानवता के लिए जो काम करता है उसको दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो है एक मिलियन यूरो की राशि दी गई है। ग्रेटा थनबर्ग जी, जिन्हें आप जानते ही होंगे, जो कि प्रदूषण के लिए और अन्य सामाजिक मुद्दों के लिए काम करती रहती हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन में देख लेते हैं क्या हुआ है। जर्मन के फुटबॉलर ने संन्यास लिया है, और ये फुटबॉलर हैं आंद्रे सुरले नाम के फुटबॉलर जिन्हें संन्यास लिया है, जिन्होंने जो है 2014 में जर्मनी को विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बात करें तो हंगरी में ग्रांड प्रिक चल रही थी, जो कि तीसरा खिताब है रेसिंग का, और इस खिताब को जीता लुइस हैमिल्टन जी ने, जो कि ब्रिटेन से आते हैं, मर्सिडीज के रेसर हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रहे मैक्स वेरस्टैपेन, और इसके अलावा तीसरे नंबर पर रहे वाल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज रेस के फिनलैंड से आते हैं। इसका आयोजन जो है हंगरी के मोगोरोड
हंगरी के मोगरोड में किया गया। वैसे तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, लेकिन इसका आयोजन हंगरी के मोगरोड में किया गया। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया है और अब यह 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस के कारण से स्थगित किया गया है। अक्टूबर नवंबर 2020 में यह होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इनको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आगे और देख लेते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में क्या घटित हुआ है। श्रीलंका की एक महिला क्रिकेटर है जिनका नाम है श्रीपल्ली बाराकोडी, जो कि एक गेंदबाज और ऑलराउंडर थी। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है, जिन्हें आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे। आईपीएल 2020 का आयोजन होगा सऊदी अरब अमीरात में। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा था, तो कोविड-19 की वजह से जो है आईपीएल का आयोजन भारत में करा पाना बड़ा मुश्किल था, इसी के कारण इसे अब सऊदी अरब में कराने पर विचार चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों को देख लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। CS Sesdee, यह एक प्रतिष्ठित गणितज्ञ थे और चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक भी रहे हैं। बीजगणित के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और बीजगणित में काम करने के कारण इन्होंने बीजगणित में उनके नाम पर एक कांस्टेंट चलता है जिसे सेसद कांस्टेंट भी कहते हैं। और सन 2009 में इन्होंने भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा अगले व्यक्ति को देख लेते हैं, रजत मुखर्जी जी जो हैं एक बॉलीवुड निर्देशक हैं और इनके द्वारा फिल्में बनाई गई, जैसे प्यार तूने क्या किया, सड़क जैसी फिल्मों को इनके द्वारा बनाया गया है और इनको पिक्चर में आप देख ही पा रहे होंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं लालजी टंडन MP के गवर्नर रहे। 2019 में इन्हें गवर्नर बनाया गया। इसके अलावा 2018 में इन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया था और इनका हाल ही में निधन हुआ है। और इनका निधन होने के बाद जो गवर्नर बना दिया गया है MP का, वो बनाई गई हैं आनंदीबेन पटेल, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। UP में है ही है राज्यपाल और अब इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है MP का भी, आनंदीबेन पटेल जी को। और यदि लालजी टंडन के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको एक स्पेशल वीडियो उनके बारे में पूरी जीवन की गाथा के बारे में बता दी गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं विजय मोहंती जो है एक अभिनेता है जो कि दिग्गज उड़िया अभिनेता है। इन्हें पिक्चर में आप देख ही पा रहे होंगे और इनकी पहली फिल्म जो थी वो थी चितली का टायर और इनको इसी फिल्म के लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। इसकी फिल्म के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। 2014 में भुवनेश वर्सेस चुनाव भी लड़ा था। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ और प्रतिष्ठित हस्तियों के बारे में। अमला शंकर जो है एक मशहूर नृत्यांगना थी और साथ में एक कोरियोग्राफर भी थी। सन 2011 में पश्चिम बंगाल का सर्वेश्व सम्मान बंगभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया, जिन्हें आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे। इन्हें ही सम्मानित किया गया बंगभूषण से सन 2011 में। इसके अलावा कुछ विदेशी व्यक्तियों की बात करते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जैसे एनी रॉस जो कि एक जैज गायिका थी और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी इनकी फिल्म जिसका नाम था शॉर्टकट नाम की फिल्म ऑस्कर में नामित हुई थी और यह इंग्लैंड में जन्मी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं विक्टर तिजीकोव जो कि एक प्रसिद्ध पेंटर थे और सन 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक हुआ था उसका जो मैस्कट था भूरा भालू वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा बात कर लेते हैं जॉन मार्से एक उपन्यासकार थे, स्पेन से आते हैं और सन 2008 में इन्होंने सर्वेंट्स पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, सर्वेंट्स पुरस्कार। इसके अलावा कुछ और प्रतिष्ठित हस्तियों को देख लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। जॉन मार्से ये उपन्यासकार थे जिनके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं, स्पेन के उपन्यासकार थे। बैरी जर्मन एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और इन्होंने क्रिकेट में विकेट कीपर थे और एक टेस्ट में इन्होंने कप्तानी भी की थी, जिन्हें आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं जॉन लुइस नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले अमेरिकी थे, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे और यह जो है यह अमेरिकी मानव अधिकारों के लिए अंत तक लड़ते रहे।
इसके अलावा एक और व्यक्ति जिनका निधन हुआ है, कॉर्ली टिंडल, यह भी भारतीय नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे। और इन्होंने ओबामा जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं, ओबामा इनके द्वारा 2013 में इन्हें प्रेसिडेंटियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित भी किया गया था, कार्ली टिंडल जी को। इसके अलावा कुछ प्रतिष्ठा दिवस के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में कौन से दिवस मनाए गए इस वीक में मनाया गया 20 जुलाई। 20 जुलाई को मनाया गया विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि इसी दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। और इस दिन फिलहाल 2020 में एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का जो विषय रहा वो रहा चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। यह इसका विषय रहा। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी डुवोनकोविच। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगले दिवस की। 23 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया, जो कि देश का पहला रेडियो प्रसारण हुआ था 1927 में, इसी के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इसी दिन 23 जुलाई को ही मनाया गया था चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिवस। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ पुस्तकों की और लेखकों की जिन्होंने हाल ही में कुछ बुक लॉन्च की हैं। इसी के साथ ही हम चलते हैं कुछ पुस्तकों की ओर। और द एंड गेम नाम की पुस्तक लॉन्च की गई। इसके लेखक हैं एस हुसैन जैदी हैं, जो कि एक ये पुस्तक जो है राजनीति, विश्वासघात और आतंक पर आधारित है। और इस पुस्तक के बारे में बताएं तो एस हुसैन जैदी जी की कई अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे, माफिया, क्वींस ऑफ मुंबई, डोगरी टू मुंबई, बारकुला टू सेटकॉक, बा 26/11 पर भी इन्होंने एक सहलेखक बनकर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था टेरर इन मुंबई नाम की पुस्तक भी इनके द्वारा सहलेखित करके लिखी गई थी। इसके अलावा अगली पुस्तक की बात करें तो सूरज कदे मर्दा नहीं नाम की एक पुस्तक है, जो कि बलदेव सिंह जी द्वारा लिखी गई। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है बलदेव सिंह जी को। और इस पुस्तक में इन्होंने जनरल आर डायर, आप जानते ही होंगे जनरल ओडायर और जनरल आर डायर के बारे में, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित हैं, और उसी के बारे में इस बुक में लिखा गया है। इसके अलावा आप जानते ही होंगे कि आपको लिए चलते हैं राज्य के समाचार की ओर, कुछ राज्य में क्या घटित हुआ था जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल सरकार, अनसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल, इनके द्वारा जो है गोधन न्याय योजना शुरू की गई, जो कि पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए है। इसके अंतर्गत जो है बर्मी कंपोस्ट अर्थात जो देसी खाद होता है, इसको ₹8 प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं पंजाब सरकार ने क्या किया है। तो पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार, जिन्होंने IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है, और यह समझौता कौशल विकास के लिए किया गया है। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इस समझौते को किया गया है। और हमने जो शुरू में बात की थी पीले कछुए के बारे में, या दुर्लभ प्रजाति के पीले कछुए के बारे में, उसके बारे में अब आपको बता देते हैं। उड़ीसा में मिला है ये पीला कछुआ, और इस पीले कछुए के बारे में यदि आपको बताएं तो यह बालासोर में वासुदेव महापात्रा नाम के किसान के ने इसे देखा उड़ीसा में, और इसे विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि यह भारतीय फ्लैप सेल कछुआ है। और इस प्रजाति के कछुए जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और इंडिया, इन जगहों पर मिलते हैं। और यह जो है इसी के साथ उड़ीसा ने एक और काम किया है। यहाँ पर एक गांव है बिलुंग नाम का गांव है, और इस गांव का नाम बदलकर रंगवती किया गया है। रंगवती इस गांव का नाम कर दिया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं और राज्य में क्या घटा है। नई दिल्ली के द्वारा एक योजना, केजरीवाल सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इसके अंतर्गत जो है घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान चलाया गया जिसका शुभारम्भ किया दिल्ली में ही चलाया गया उसका शुभारम्भ किया अमित शाह जी द्वारा।
इसके अलावा देख इसमें जो है कार्यालय और सड़कों पर वृक्षारोपण किया गया। वायुसेना कमांडो सम्मेलन यह भी नई दिल्ली में ही हुआ है और इसके इस सम्मेलन का जो है अध्यक्षता की वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी ने। इसके अलावा पहला ई बी चार्जिंग प्लाज्मा, ई वी चार्जिंग प्लाज्मा जिसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज किया जाएगा। ई वी का यहाँ अर्थ है इलेक्ट्रिक बाइक, इसको जो है चार्ज करने के लिए एक स्टेशन बनाया गया है और यह बनाया गया है नई दिल्ली में। इसके अलावा जोरम में जो है जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं यूपी में एक अनुसूचित जाति के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। नवीन रोजगार छतरी योजना अनुसूचित जाति के विकास के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। यूपी की बात करें तो यूपी के CM जो है आप जानते ही होंगे योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने जो है राम मंदिर का हाल ही में उद्घाटन भी किया है। यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, जो कि अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको MP का राज्यपाल का। इसी के साथ अब आपको लिए चलते हैं नियुक्तियों की ओर। कुछ प्रतिष्ठित नियुक्तियाँ हुई हैं हाल ही में, उनके बारे में जान लेते हैं। SBI कार्ड के नए CEO बनाए गए, यह बनाए गए अश्विनी कुमार तिवारी जी को बनाया गया, जो कि अगले 2 साल तक इसके CEO रहेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का नया निजी सचिव बनाया गया, यह बनाया गया प्रवीण सिद्धार्थ जी को बनाया गया जो कि विक्रम सिंह जी की जगह लेंगे और विक्रम सिंह जी को शिपिंग मंत्रालय में पहुँचा दिया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं भारत में जो है SAP के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। SAP का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग नाम का एक कंपनी है। इसके जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कुलवंत बाबा जी को, जो कि ये कंपनी 1972 में बनाई गई और इसका मुख्यालय जर्मनी में है। करूर वैश्य बैंक, इसके जो है CEO बनाए गए हैं हाल ही में रमेश बाबू को बनाया गया, जो कि PR शेषाधी की जगह लेंगे और यह पूर्व में SBI के उपप्रबंधक भी रह चुके हैं रमेश बाबू। इसके अलावा बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस से जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है राहुल बजाज जी ने, और अब इनके पुत्र जो है राहुल बजाज जी के ही इनकी जगह लेंगे, जिनका नाम है संजीव बजाज, यह इनकी जगह लेंगे वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में। बाकी राहुल बजाज जी बने रहेंगे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, स्वतंत्र निदेशक के रूप में रहेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस की, जिसके MD और CEO बनाए गए पीसी कांडपाल जी को बनाया गया, जो कि भूषण महापात्रा जी की जगह लेंगे। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष बनाए गए सुमित देव जी को बनाया गया, जो कि एन बीरेंद्र जी की जगह लेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के CEO बनाए गए आलोक मिश्रा जी। इसके अलावा और देख लेते हैं कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की नई सचिव बनाई गई है रीबा दास गांगुली, इन्हें आप जानते ही होंगे बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में काम किया है इन्होंने, और वर्तमान में वहां उच्चायुक्त के रूप में विक्रम दुरास्वामी जी को पहुंचा दिया गया है और यह फ्री हो गई थी तो इनको अब जो है विदेश मंत्रालय में सचिव बना दिया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO बनाए गए पार्थ प्रतिम सेन गुप्त, जो कि कर्णम शेखर जी की जगह लेंगे। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के CEO बनाए गए नवीन तहिलानी जी, जो कि ऋषि श्रीवास्तव जी की जगह लेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ ब्रिक्स होगा, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की सलाहकार बनाए गए साहिल सेठ जी को जो है ब्रिक्स के सलाहकार के रूप में बनाया गया, जो कि 2020 से 2023 तक इस पद पर रहेंगे। और ब्रिक्स के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं ब्रिक्स तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये मिलकर ही बना है ब्रिक्स। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ ऐप्स और पोर्टल की जो कि हाल ही में लॉन्च किए गए। रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है मुथूट फिनकॉप नाम की कंपनी है, जो कि MSME अर्थात छोटे और लघु उद्योगों के लिए व्यवसाय के लिए काम करती है और उन्हीं के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंस्टा फ्लिक सेविंग अकाउंट, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है और इसके अंतर्गत जो है ऑनलाइन यूज़ करके ही आप अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं।
और बड़ौदा बैंक ने जो है एम कनेक्ट ऐप भी लॉन्च किया है। इसका भी उपयोग कर आप जो है ऑनलाइन ही घर से खाते को जो है मेंटेन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है बड़ौदा गुजरात में है और इसके CEO संजीव चड्ढा जी। स्मार्ट रिस्ट बैंड बनाया है एम्स नागपुर एम्स द्वारा, और इसके द्वारा जो है COVID-19 रोगियों को ट्रेस करने के लिए बनाया गया है कि वह व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जा रहा है उसकी जानकारी जो है इस रिस्ट बैंड जिसके हाथ में बांधा जाएगा उस रिस्ट बैंड के द्वारा जानकारी लग जाएगी। प्रवासी रोजगार ऐप यह सोनू सूद ने लॉन्च किया है। पूर्व में भी सोनू सूद जी ने प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत कुछ करा था, जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय भी इन्होंने बहुत मदद की थी और अभी फिलहाल में भी इन्होंने मदद की है, और इस मदद को जो है इन्होंने ऐप बनाया है जिसके द्वारा जो है रोजगार उपलब्ध कराने का ये प्रयास करेंगे प्रवासी भारतीयों को। ASPIRE नाम का एक पोर्टल है और इसका फुल फॉर्म यदि आपको बताएं तो ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, और इस पोर्टल को जो लॉन्च किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने लॉन्च किया है PM स्वनिधि ऐप जिसके अंतर्गत जो है जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों के बारे में कि राष्ट्रीय खबरों में क्या घटित हुआ है। छात्रों के लिए मनोदर्पण नाम की पहल शुरू की गई और इस पहल के अंतर्गत जो है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी, और यह इस पहल को शुरू किया है मानव संसाधन मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री ने मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं 45वां राष्ट्रीय आइडियल समिट की मेजबानी जो है इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा की जाएगी। इस सम्मेलन का विषय रखा गया है बिल्डिंग द बेटर फ्यूचर। इसके बारे में बात कर लेते हैं, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है जिसके अंतर्गत कुछ चीज़ों को बदला गया है और खुदरा व्यापारी को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसमें जो है पहले जो है जो उपभोक्ता होता था उसको ही सारे अधिकार होते थे और अधिकतर जो केसों में जो है खुदरा व्यापारी को जो है नुकसान होता था, अब उनको चेंज किया गया है। अगली बात कर लेते हैं आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है भारत और मालदीव के बीच शुरू की गई है। जैसा कि आप जानते हैं COVID-19 चल रहा है और उसके लिए जो चिकित्सा सेवाएँ हैं वो मालदीव को दी जा रही है भारत के द्वारा। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ और राष्ट्रीय क्या घटित हुआ है। पास एक्स एक एक्सरसाइज है, एक युद्धाभ्यास है जो कि नौसेना द्वारा किया गया और यह किया गया हिंद महासागर जो कि आपका यदि श्रीलंका है तो यहीं आपका हिंद महासागर है और इसी में ये किया गया है। और इसके अलावा जो है इस युद्धाभ्यास में INS सहाद्री INS कामंती भी शामिल किया गया और नौसेना के जो प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं भारत के नाम से एक ड्रोन बनाया है DRDO ने और इस ड्रोन को जो है भारतीय सेनाओं को दिया गया है जो मदद करेगा ऊंची-ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेनाओं को ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मनों को देखने के लिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम रखा ध्रुव शस्त्र इसका नाम रखा गया और इसे बनाया है DRDO ने इसका विकसित किया है। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देख लेते हैं उनमें क्या घटित हुआ है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। देख लेते हैं रूस ने जो है MGTV-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट बनाया है, एक इंजन बनाया है इसका सफल परीक्षण भी किया है। इसके अलावा चीन ने जो है अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन बनाया है जिसका नाम है ताइवेन फर्स्ट रखा गया है और तियावेन का जो अर्थ होता है वो होता है क्वेश्चन टू हेवन। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में जो है 87वां देश जुड़ा जिसका नाम है निकारागुआ नाम का एक देश जुड़ा जिसकी राजधानी मैनागुआ है और यहाँ के राष्ट्रपति डेनियल ओरंगा है। इनके द्वारा जो है सौर संगठन में इनको इस देश को जोड़ा गया है और सौर संगठन की यदि बात करें तो इसका मुख्यालय हमारे भारत के ही गुरुग्राम में है जो कि हरियाणा में है और इसको जो है मोदी जी द्वारा ही इस सौर संगठन को बनाया गया था। इसके अंतर्गत जो है पृथ्वी पे जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ पर जो है सौर ऊर्जा का उपयोग हम किया कर बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं जिससे जो है प्रदूषण पे भी फर्क होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ और क्या घटित हुआ है।
ऑक्सफोर्ड, ये अच्छी खबर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कोविड-19 के वैक्सीन के मानव परीक्षण में सकारात्मक रिजल्ट आने लगे हैं और यह हाल ही में खबर निकल के आई है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है NASIS-2, इसका नाम रखा गया, इसको जो है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि अमेरिका की प्राइवेट जो कंपनी है इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और इन्होंने जो है फाल्कन 9 का रॉकेट का इसमें उपयोग किया इसे लॉन्च करने में। इसके अलावा बात कर लेते हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है होप, इसका नाम रखा है होप। इसके अलावा आपको लिए चलते हैं वीकली के क्वेश्चन पर, वीकली क्वेश्चन पर चलें तो दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ किस राज्य में मिला है, यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको अच्छा लगा है तो और लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आप रिविज़न करना चाहते हैं तो आप क्विज पर ज़रूर देख लीजिएगा, आपको क्विज मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्विज अटैम्प्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद।